और इस बीच बड़ी खबर सहारनपुर से मिल रही है। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान देखने को मिला है। बीएसपी के वोट में नहीं लगाई है सेंध, ये चंद्रशेखर की तरफ से साफ कर दिया गया है। मैंने संघर्ष करके जनता का भरोसा कमाया है, मैंने जनता के बीच विश्वास बनाया है, इस चुनाव में जनता मेरे साथ थी। ये बड़ी बातें चंद्रशेखर की तरफ से कही गई है। उन्होंने जीत दर्ज की है, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया कि बीएसपी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगाई है, चुनाव में जनता ने मेरा साथ दिया था और इसी वजह से मुझे वोट मिला है। चंद्रशेखर आजाद का यह बड़ा बयान सामने आया है। बीएसपी के वोट में उन्होंने सेंध नहीं लगाई है और जनता का विश्वास भरोसा कमाया है, मैंने संघर्ष करके जनता का भरोसा कमाया। तो चंद्रशेखर आजाद भी अब लोकसभा पहुंच गए हैं, बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया इस चुनाव में। माना जा रहा है कि जो बीएसपी का वोट था वो चंद्रशेखर को शिफ्ट हुआ और इसका फायदा उनको मिला है, जीत उन्होंने दर्ज कर ली है। जब उनसे सवाल किया गया कि सेंधमारी का फायदा ही क्या उन्हें मिला है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने संघर्ष किया और इसलिए जनता ने मुझ पर विश्वास जाहिर किया। नहीं, जनता मेरे साथ और जनता ने ये जो विश्वास नगीना बनाया, अगर जनता उस विश्वास को मेरे ऊपर और भरोसा करे, मेरी कार्यशैली पे, मेरे किरदार पे, और यही गठजोड़ अगर उत्तर प्रदेश में बन जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, मैंने किसी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगाई, जनता ने मेरे पर भरोसा किया और मैंने ये भरोसा कमाया है संघर्ष कर। आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनको बधाई, उनके लिए मंगल कामना।